आपने कश्मीर फाइल्स देखी? फिल्म देखने की सच में फुर्सत नहीं है। वैसे मैं कहूंगा कि फिल्म ने अब बहुत कमाई कर ली, अब इस फिल्म को ना, ये आजकल YouTube पे फिल्म डाल देते हैं तो YouTube पे, Facebook पे, सब जगह इसके लिंक अब आ जाने चाहिए। अब कमाई बहुत होगी, सब लोगों को भी पता लगना चाहिए आखिर कश्मीर में हुआ क्या था। तो ये फिल्म मैंने सुना है बहुत अच्छी है, इस रूप में अच्छी है कि इस हकीकत रखी है। वाकया तो बहुत बुरा था, जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बेदर्दी से वहाँ से निकाला गया, उनको मारा गया, उनके सब हक छीन लिए गए, उनकी ज़मीन जायदाद मैंने करोड़ों अरबों की, उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ छीन लिया, और जिस तरह से लोगों का कत्लेआम किया गया, ये सच में एक कभी भी न भूला जाने वाला दंश है, एक गुनाह है, एक अपराध है। और उस हकीकत को विवेक अग्निहोत्री जी ने और हमारे जो है अनुपम खेर, क्या नाम है, अनुपम खेर जी ने, हाँ उन्होंने बहुत अच्छे से उसको उकेरा है। और ये पर आप भाषा तो केजरीवाल जी की बोल रहे हैं, जिससे वो दोनों परेशान है। केजरीवाल जी ने कहा है यूट्यूब पर डाल दो, क्यों एंटरटेनमेंट टैक्स की माफी चाह रहे हो, तो आपके विचार केजरीवाल जी से मिल रहे हैं? ना ना, मैं दूसरी तरह से बात कर रहा था कि मैं किसी की भाषा नहीं बोल रहा, ना मैं बीजेपी की भाषा बोलता हूँ, ना कांग्रेस की, ना आम आदमी पार्टी की। आम आदमी की मीन्स मैं तो एक आम आदमी की दृष्टि से, जनसामान्य की दृष्टि से कहता हूँ कि सबको देखने को मिल जाए। अब मुझे लगता है कमाई के तो रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं इस पूरी फिल्म ने, बात कमाई की नहीं है। मैं इस रूप में सच्चाई की, ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए, इस रूप में मैं बात कर रहा हूँ। मुझे तो नहीं पता किसी ने क्या स्टेटमेंट दिया, ना मुझे स्टेटमेंट किसी की सुनने की फुर्सत, और ना मुझे किसी के आलोचना प्रत्यालोचना में पढ़ने की कोई वजह। मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। लेकिन आपने पूछा तो क्योंकि मैंने उसके छोटे छोटे कभी कभी न्यूज़ चैनल जरूर देखता हूँ, आपको भी देखता हूँ, तो उस समय कोई क्लिप आ जाती है तो जरूर मैंने देखे कुछ दृश्य इस द कश्मीर फाइल्स के। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल आप राजनीति पे, पॉलिटिक्स पे कुछ कम बोल रहे हैं। बीच में एक कंट्रोवर्सी चली थी, लोग पूछ रहे थे कि उत्तराखंड में शायद आपको कांग्रेस के आने की आहट सुनाई दे रही थी, तो आप थोड़ा अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहे थे। अब धामी जी दोबारा चुनकर आए हैं, क्या आपको सचमुच लगा था कि कांग्रेस आएगी? लोग क्यों कह रहे हैं ऐसा? अजय ये बताओ नविका जी, बोलने के लिए देखो, आलोचनाओं की कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको भी न जाने क्या क्या बोलते हैं लोग, मुझे भी न जाने क्या क्या बोलते हैं, आदित्यनाथ योगी जी को, मोदी जी से लेकर के न जाने अलग अलग लोगों को किसको क्या क्या बोलते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः प्रारभ्य तेन खलु विघ्न भयेन नीच प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। मैं महर्षि दयानंद का शिष्य, उन्होंने हमें बताया कि कुछ लोग तो बड़ा काम इसलिए शुरू नहीं करते कि बड़ी बाधाएं आती हैं उसमें, कुछ लोग शुरू करके बीच में बंद कर देते हैं। विघ्न और बाधाओं के बीच में जो आगे बढ़ते चले जाते हैं वो अपना लक्ष्य पाते हैं। निंदा करें लोग, स्तुति करें, क्या फर्क पड़ता है? भगवत गीता में भी ये कहा और मनुस्मृति में भी कहा है कि सम्मान की चाहना अमृत के तुल्य करनी चाहिए, सम्मान की चाहना विष के तुल्य, और अपमान की चाहना अमृत के तुल्य करनी चाहिए। तो ये निंदा स्तुति छोड़ो, आलोचना छोड़ो। देखो मैं, आप देख रहे हैं कि 2013-14 तक मैं राजनीतिक रूप से जो भी मेरे ओपिनियन होते थे और जो भी मुझे देश का युग धर्म लगता था उसके बारे में मैंने खूब बातें की। अब पिछले करीब 9 सालों से मैं पॉलिटिकली पक्ष विपक्ष से मुक्त होकर निष्पक्ष रहता हूं। जब कोई राष्ट्रहित की बात रखती है तो उसके बारे में बात करता हूं, मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं। नविका जी, अब इसमें भी कोई पॉलिटिक्स से ढूंढे कि बाबा कब बोलता है, कितना बोलता है, तो लोग इस बात के ठेकेदार हैं कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। आप जब भी मुझसे अभी भी पूछिए, कभी भी मेरे से किसी ने भी पूछा, जब भी कोई पॉलिटिकल बात पूछी, जो मेरा अपना विवेक है, जो मेरा अपना पॉलिटिकल ओपिनियन, मैं रखता हूँ, आज भी रखता हूँ। आपने कश्मीर फिल्म के बारे में बात की तो कश्मीर फाइल्स के बारे में मैंने बात कर दी। आप किसी भी इशू पर मुझसे बात कर सकते हैं,